हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो अबाउट द केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड ऑल द पॉसिबल इक्वेशंस जो कि आपके सिलेबस में हैं। पिछले जो आपने वीडियो देखे उसमें आपने वाटर से रिएक्शंस देखे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिलेटेड डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो या उसका बिहेवियर देखा। और अब हम तीसरे लेवल पर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो बेसिक लॉजिक आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो डाई बेसिक एसिड का आता है। किस तरह का? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है तो डाई बेसिक एसिड का आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 है। H2 मीन्स दो हाइड्रोजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी यहीं से शुरू होती है। और अगर इसमें 2H2O मिलेगा यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होंगे तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और डाई बेसिक एसिड बनता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं। कितने? दो हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन थे जो वाटर से जुड़ते हैं। सल्फेट आयन SO4 अलग होते हैं। अब देखिए, आपको बेसिक लॉजिक क्लियर होगा। पिछली बार HCl क्लियर था आपको जो मोनो बेसिक था, यहाँ पर यह डाई बेसिक हो गया। इसका मतलब H2SO4 में डिसोसिएशन की पावर है। तो देखिए अगला वही आ गया। अब लॉजिकली जोड़िए, तो H2SO4 डिसोसिएशन करता है तो 2H+ और SO4-। देखिए SO4 वही चीज़ है ना, और ये दो हाइड्रोजन आए जो ये वाटर से अगर जुड़ जाएं तो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो यू कैन कोरिलेट दीज टू इक्वेशंस। ये तो एक जनरल बिहेवियर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। आइए अब शुरू करते हैं ऑल द इक्वेशंस रिलेटेड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा इसका, जो आप लॉजिक से याद रखेंगे। देखिए ये NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फर्क समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ Na2CO3 है, हाइड्रोजन नहीं है। और दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया गया। देखिए ये H2SO4 है, ये H2SO4 है। आप दूसरे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप जब NaHCO3 लिखा है तो यहाँ पे 2N2 लिखा हुआ है, मतलब इसके दो वॉल्यूम्स हैं, लेकिन यहाँ देखिए सिंगल है, वन है। तो 2NaHCO3 है या Na2CO3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। लेकिन दोनों जगह H2SO4 है, यहाँ पे कोई मोल्स में फ़र्क नहीं आया। और जब ये रिएक्शन होता है तो देखें क्या होगा, दोनों को कंपेयर करके देखिए, अलग अलग याद ही नहीं करना है। देखें Na2SO4, ये देखिए H2O, लेकिन क्या फ़र्क आया? यहाँ देखिए 2NaHCO3 था तो 2H2O आया और 2CO2 आया, लेकिन इसमें देखें Na2SO4, H2O और CO2 आया। देखिए आप सब कहते हैं हम बैलेंसिंग करके इक्वेशन को करते हैं, बैलेंसिंग क्यों करना है? आप पहले इक्वेशन याद करते हैं उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करते हैं। और मेरा मानना है बैलेंसिंग का मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप होता है इक्वेशंस का, जो शायद मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपको टीचर्स नहीं बताते हैं या आपको नहीं पता होता है। आप बैलेंसिंग का मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं और ये लॉजिक भूल जाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट किस तरह से ऑप्टेन हो रहा है। यही तो समझना केमिकल इक्वेशन के बारे में है, वरना तो बुक में सब लिखा हुआ है। तो देखें आप NaHCO3 जब 2 क्वांटिटी में लिया गया, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया गया और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया, तो सोडियम सल्फेट मिल रहा है वाटर की क्वांटिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 2-2 वॉल्यूम्स में है। लेकिन Na2CO3 के साथ जब H2SO4 डाइल्यूट है सारे ये मिल रहा है, तो हमको सिंपल वे में Na2SO4, H2O, CO2 मिल रहा है। अब आप देखें ये दो रिएक्शन अब आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। इक्वेशन नहीं रटना है आपको, सिंपली बात करनी है। NaHCO3 के साथ H2SO4 जोड़ा, अब देखिए मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूँ, Na2CO3 के साथ में H2SO4 जोड़ा, तो क्या डिफरेंस है? जब NaHCO3 के साथ जोड़ा तो 2NaHCO3 लिया, ज़्यादा वॉल्यूम लिया, कितना? 2, तो Na2SO4 बनेगा लेकिन दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो वाटर। लेकिन जब Na2CO3 ले रहे हैं तो सिंगल ले रहे हैं, और H2SO4 से Na2SO4, H2O और CO2। देखिए इस तरह से बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अब देखें NaOH के साथ क्या बिहेवियर है। NaOH में भी आप ध्यान दीजिएगा, वही लॉजिक है। देखिए यहाँ पे NaOH लिखा हुआ है और H2SO4, यहाँ देखिए लिखा हुआ है NaOH लेकिन 2NaOH प्लस H2SO4। देखिए इसके वॉल्यूम सेम है लेकिन इसके मोल से वॉल्यूम 2NaOH है, तो क्या फ़र्क हो जाएगा दोनों में? जब NaOH के साथ H2SO4 को मिलाएंगे 1-1 मोल के रिलेशन में,
तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, NaHSO4 बन रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल देखिए दोनों जगह 1 मोल है। जब हम ये एल्कली ले रहे हैं और ये एसिड ले रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है ना, तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं यानी कि 2NaOH कर दे रहे हैं तो H2SO4 के जोड़ने से क्या बन रहा है, Na2SO4 और वाटर, और वाटर कितना बन रहा है 2H2O। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है उस सिचुएशन में जब एल्कली की क्वांटिटी कम है, और जब एल्कली की क्वांटिटी बढ़ गई एसिड के साथ में तो सोडियम सल्फेट बन रहा है। आई थिंक आपको अब ये इक्वेशन याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के लेवल पे आते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे की इक्वेशंस को देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए CuO ये क्या है, ये भी एक बेस है, बेसिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ में फिर से H2SO4 मिलाया तो बेस और एसिड मिलाने से सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो देखिए कॉपर सल्फेट बनेगा। बड़ा सिंपल रिएक्शन है और आप जानते हैं, और वाटर रिलीज होता है, ये तो एज ए रूल होता है हमेशा, जब भी एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो आपको ये बहुत सिंपल वे में याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के बजाय कॉपर का हाइड्रोक्साइड आ गया CuOH होल ट्वाइस, तो क्या डिफरेंस आएगा, कंपेयर करिए। यहाँ CuO के साथ में H2SO4 मिला तो कॉपर सल्फेट और वाटर मिला, लेकिन अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया तो देखिए OH होल ट्वाइस आ गया ना, तो क्या होगा, वही सब्सटेंसेस बनेंगे कॉपर सल्फेट और वाटर, लेकिन देखिए वाटर कितना आ गया 2H2O। तो व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑल दीज बैलेंसिंग अलोंग विद द इक्वेशन, नो यू शुड डू कि आप कंपेयर करिए कि क्या क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है और कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉजिक बिहाइंड द केमिकल इक्वेशंस जो आपको समझना होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सीलाइन बढ़ गए तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉपर सल्फेट की थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि H बढ़ गया, तो लॉजिक है इसके पीछे। आई थिंक क्लियर हो गई बात। अगले पे आएं, ये देखिए मेटल्स हैं, आयरन है और यहाँ जिंक है, देखें क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आयरन के साथ में H2SO4 मिलके आयरन सल्फेट Fe2SO4 बनाता है और वाटर बनाता है। देखिए आयरन के साथ वाटर बना रहा है, लेकिन जिंक के साथ में H2SO4 Fe2SO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। आप बहुत पहले से पढ़ते हैं ये इक्वेशन, लेकिन कंपैरिजन देखिए, क्योंकि आयरन और जिंक की एक्टिविटी सीरीज में पोजीशन अलग है, एक्टिवनेस अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल रिएक्शंस हैं। उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन देखिए, अमोनिया अलग चीज है, आप कंपेयर करिएगा अमोनिया और अमोनिया का वाटर में सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो अलग अलग बातें हो जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग बातें हो जाएंगी, बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया और यहां पे अमोनिया गैस है, तो अमोनिया के साथ में जो बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक इन नेचर, तो अमोनिया के साथ में H2SO4 मिलाया तो अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 बना। जरा देखिए ये 2NH3 है, अमोनियम सल्फेट बन रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लें तो ये 2NH4OH के साथ में H2SO4 यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को लिया, तब भी देखिए अमोनियम सल्फेट बन रहा है, लेकिन साथ में क्या बन रहा है 2H2O, वाटर भी बनेगा, अमोनिया के केस में तो बन ही नहीं सकता है, बहुत नेचुरल है ना। तो अब आप ये कंपैरिजन से याद रखिए, अमोनियम के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा और अमोनिया के साथ क्या होगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाए, तो अमोनिया के साथ तो केवल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे H2SO4 से अमोनियम सल्फेट और वाटर बनेगा, और वो भी 2H2O बनेगा क्योंकि, और यहाँ पे दोनों जगह 2 है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने कार्बोनेट के रिलेशन में याद किए थे और आपको बताया था। तो देखिए आपने क्या किया था, कार्बोनेट याद आया ना, वहां पे सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ क्या है Na2SO3, ये सल्फाइड का सॉल्ट है Na2SO3 है, तो देखिए Na2SO3 के साथ H2SO4 का रिएक्शन, और उसके नीचे देखिए NaHSO3, तो देखिए 2 लगा दिया। कंपेयर करें बिल्कुल वही आ रहा है जैसा कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में था, तो Na2SO3 और 2NaHSO3 के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो जरा प्रोडक्ट को देखिए, देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वाटर और SO2, लेकिन क्या डिफरेंस है, जब NaHSO3 को ले रहे हैं तो Na2SO4 तो बन रहा है, लेकिन वाटर के और SO2 के दो दो मोल्स हैं, देखिए 2H2O 2SO2, जबकि यहाँ सिंगल मोल हैं,
इस बात पे फिर से एम्फेसिस दीजिए। अब देखिए चार रिएक्शंस आपको ऐसे ही याद हो गए, कार्बोनेट के और सल्फाइड के। क्या जरूरत है चार अलग अलग रिएक्शन याद करने की, इसके लॉजिक को समझिए और जैसे वो था वैसे ये रिएक्शन भी बना दीजिए। तो आई होप आपको ये सारे रिएक्शन क्लियर हो गए। अगले रिएक्शन पे आते हैं। तो बच्चों अगले रिएक्शन को देखें, SO3 के साथ में H2SO4 का रिएक्शन, ये कहां पर होता है? अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, वहां पे एक स्टेप में ये रिएक्शन होता है। SO3 के साथ H2SO4 को मिलाया जाता है तो H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं, ओलियम बन जाता है। याद रखिएगा SO3 से H2SO4 को मिलाने से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ओलियम को फिर से वाटर से मिला के हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल डिस्कशन देख लेंगे, फिलहाल आपको यहां पे इतना सा याद रखना है, इसीलिए मैंने लिंक में यह भी लिख दिया है सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ H2SO4 के रिएक्शन से, एज यूजुअल जैसा कि आप अब सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, पोटेशियम सल्फेट, देखिए सल्फेट का सॉल्ट तो बन नहीं है, वाटर और CO2 बनेगा क्योंकि यहां पे कार्बोनेट है। आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देखें, FeS के साथ डायल्यूट H2SO4 का रिएक्शन होगा, तो सिंपल वे में सॉल्ट बनेगा FeSO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाएगी, H के साथ में सल्फर के जुड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। उसके बाद ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं जो कि केमिकल टेस्ट भी हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये दो हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, ये मोर वोलाटाइल देन H2SO4 है, तो देखिए ये रिलीज हो गया और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट का सिंबल डाउनवर्ड एरो। सिमिलरली लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के साथ में अगर H2SO4 डाइल्यूट मिलाया तो देखिए मोर वोलाटाइल नाइट्रिक एसिड रिलीज हो गया और PbSO4 लेड सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों आपने देखा ना, कुल मिला के 20 रिएक्शन निकले आपके सिलेबस में, पूरे सिलेबस में जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन या हाई डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 से रिलेटेड हैं। और अब रिमेनिंग रिएक्शंस जो रह गए वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के रह गए, आइए फटाफट उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों अब देख लें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शंस। तो देखिए ये चार बड़े कंपैरेटिव रिएक्शंस हैं जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मिलाया गया और टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, क्या कंडीशन है, लेस देन 200 डिग्री रखा गया, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl गैस इवॉल्व होती है, NaHSO4 बनता है और HCl गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली NaNO3 के साथ में H2SO4 को रिएक्ट कराया गया और टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखा गया, फिर बोल दूं सब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो फिर से देखिए NaHSO4 बनता है लेकिन HNO3 इवॉल्व होगी, HNO3 की वेपर्स बनेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये HCl गैस और HNO3 के प्रिपरेशन में तरीके यूज होते हैं। और टेम्परेचर क्या रखते हैं, 200 से कम। अब सवाल आया अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए NaCl के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में टेम्परेचर को कंपेयर करिए, इंक्रीज कर दिया 200 से ज़्यादा, तो देखिए Na2SO4 बन जाएगा NaHSO4 की जगह है और HCl गैस तो इवॉल्व होगी लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एपरेटस में, ब्लैक क्रस्ट बना देगा, ख़राब कर देगा सिस्टम को। सिमिलरली NaNO3 के साथ H2SO4 को अगर रिएक्ट कराएंगे ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे तो हाई टेम्परेचर पे फिर से Na2SO4 बनेगा और HNO3 की वेपर्स तो बनेगी लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी ब्लैक क्रस्ट की। तो ये दोनों मेथड्स अवॉइड किए जाते हैं लेकिन रिएक्शन तो होते हैं, तो आपको ये ना कंपैरिजन समझ में आना चाहिए टेम्परेचर का। अब अगले रिएक्शन पे आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर कोक या कार्बन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 2SO2। यहां पर देखिए जितने रिएक्शन हैं ये सब में H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कार्बन के साथ या कोक के साथ H2SO4 के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और SO2 बनेगा, सिंपल सी बात है, CO2 भी रिलीज होगी SO2 भी रिलीज होगी। सल्फर के साथ सिमिलरली देखिए तो यहां पे सिर्फ SO2 रिलीज होगी, 3SO2 और वाटर बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कॉपर, कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन हुआ तो कॉपर सल्फेट बना, वाटर बना 2H2 और SO2 इवॉल्व हुई। अब याद करिए कॉपर सल्फेट एक जगह और बना था कॉपर के साथ में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना डाइल्यूट में, जब डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन हुआ था तो कॉपर के साथ नहीं हुआ था,
वो किसके साथ हुआ था? कॉपर ऑक्साइड के साथ हुआ था। बस देखिए यही एक लॉजिक है, वो बेसिक ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड, उसके साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो भी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बन रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था वहां पे, SO2 तो नहीं था, लेकिन यहां पे देखें प्योर कॉपर है। अब कॉपर के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट का नहीं होगा। तो कॉपर के साथ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो CuSO4, H2O और SO2 बनता है। अब आइए जिंक पे, याद करिए जिंक का आपने रिएक्शन पढ़ा है किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जब जिंक का डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हुआ था तो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई थी और ZnSO4 बना था। जरा यहां देखें क्या हो रहा है, जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन में देखिए जिंक सल्फेट बन रहा है ZnSO4, लेकिन देखिए क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और SO2 इवॉल्व हो रही है। और जब डाइल्यूट H2SO4 था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। अब बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, जनरल वे में हाइड्रोजन रिलीज होती है जिंक के साथ में, पर ये भूल जाते हैं कि वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, यहीं पर गलती होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको बताई जा रही है यहाँ पे। चलिए आगे चलें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन, वाटर और SO2, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड का रिएक्शन, तो देखिए सल्फर, वाटर और SO2 बनेंगी। तो इस तरह से आपने ये सारे रिएक्शन देखे। आइए कुछ और रिएक्शन देख लें, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 किस तरह से बिहेव करता है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सिचुएशन में। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज में, क्योंकि देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो मॉइस्चर को रिमूव कर लेता है सब्सटेंस से। तो देखिए क्या रिएक्शन होते हैं, देखिए ये आपके सामने ग्लूकोज लिखा हुआ है, C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिराया जाता है तो कार्बन बन जाता है 6C प्लस वाटर 6H2O और ये इसे डिहाइड्रेट कर देता है। सिमिलरली आप देखें सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज कहलाता है। सुक्रोज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी कार्बन बनेगा लेकिन लार्जर अमाउंट में, 12C प्लस 11H2O, डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ सुक्रोज का भी। उसके बाद देखें सेल्यूलोज C6H10O5n, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो 6CN प्लस 5H2O n, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके आधार पे सेल्यूलोज में डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसके बाद देखें फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड पे जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वाटर बन जाता है। इसके बाद देखिए ऑक्जैलिक एसिड H2C2O4, इसे ऑक्जैलिक एसिड कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देखिए फॉर्मिक एसिड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड था और फॉर्मिक एसिड के बाद ऑक्जैलिक एसिड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। उसके बाद देखें आप C2H5OH इथाइल एल्कोहल के साथ में अगर रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, ऑफकोर्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है पर यहाँ बहुत इंटीग्रल पार्ट है इसका एज ए डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, इसलिए बता रहे हैं, तो C2H4 बनता है और H2O बन जाता है। फिर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हम कहते हैं कॉपर सल्फेट 5.5H2O, ये देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होता है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O रिमूव हो जाता है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने पूरा ये कलेक्शन ऑफ H2SO4 के इक्वेशंस को देख लिया जिसमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों थे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ये सारे पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो आपके लेवल पे हैं और आपके सिलेबस में हैं। अब इनको अच्छे से तैयार करिए, HCl आप तैयार कर चुके हैं तो देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें और फर्दर रिएक्शंस आने वाले हैं। थैंक यू।